नामांकन आपने कर दिया है, जिनके बाद में पूरी आश्वस्त नहीं होंगे और आपके गठबंधन दल के लोग भी सब शामिल है, क्या कहेंगे आज के दिन? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता हूँ और केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व और आज शुभ एनडीए का समर्थित उम्मीदवार के रूप में मुझे एक साधारण परिवार से आए साधारण कार्यकर्ता को प्रत्याशी बनाने का काम किया है। मैं हृदय की गहराई से केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व और आज शुभ की सुप्रीमो सहित पुलिस संख्या को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। विरोध जाएंगे जो अब तक सिचुएशन है 2006 के बाद फिर से इतिहास बने, निश्चित रूप से जिस प्रकार से दृश्य जो झारखंड में दिखाई पड़ रही है और जिस प्रकार से एनडीए एक मत है, एकजुट है और एकजुटता का परिचय देते हुए बीजेपी और आशु ने मुझे संयुक्त उम्मीदवार बनाया है, मैं हम केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व और आजुषु के हमारे वरिष्ठ नेता और उनके कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं। सरजू राज जी का समर्थन है आपको? वो तो समय आने पर पता चल जाएगा, यदि उसकी आवश्यकता पड़ेगी तो आपको खुद दिखेगा। तीन सेट में हमने नामांकन किया है और हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय विधायक और आजसू के दोनों विधायक आदरणीय सुदेश जी और दामोदर जी ने सभी लोगों ने प्रस्ताव बनकर हस्ताक्षर किया है और सबों का हमको हृदय से सभी लोगों ने समर्थन दिया है। ठीक है, निर्विरोध जाएंगे राज्यसभा, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से, चूंकि एक भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रही है और आशु का भी, दोनों लोग के सहमति से मुझे लगता है कि निर्विरोध प्रत्याशी लोगों ने उतारने का काम किया और जिस तरफ जहाँ पर भाजपा आशु एक मत है, एक जुड़ता है, उसी दूसरी तरफ यूपीए गठबंधन बिखरा हुआ है और इसका स्वरूप आपको दिख रहा है और भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व, आशु समेत सभी लोग झारखंड की चिंता करते हैं और ये कोशिश करते हैं कि झारखंड का कैसे विकास हो, झारखंड का कैसे भला हो और मुझे लगता है कि उसी का ये झलक है। देखिए, जिस प्रकार से आप सभी लोग देख रहे हैं, एनडीए गठबंधन पहले भी मजबूती के साथ था, आज भी देखने को मिला कि भाजपा आशु का झारखंड में बहुत मजबूत गठबंधन है और दोनों के संयुक्त प्रत्याशी के रूप में कार्यकर्ता को प्रत्याशी बनाने का काम किया है और दूसरी तरफ विपक्ष अपने आप में बिखरा हुआ है, चूंकि स्वार्थ की राजनीति करते हैं और भारतीय जनता पार्टी आशु गांव गरीब किसान मजदूर की राजनीति करती है। तो दोनों का जो आचरण दिखा है उस आपके सामने है कि एक तरफ लोग गांव गरीब किसान मजदूर की विकास की चिंता करता है बीजेपी आशु और वो लोग अपने परिवार और अपने वंश की चिंता करते हैं, वो दिख रहे हैं। आज तो बीजेपी के साथ है इस चुनाव में, क्या निर्दलीय विधायक भी आपके साथ हैं, सरजू राज जी के बाद? आपने देखा कि नॉमिनेशन जैसे करके मैं निकला और उन्होंने मुझे आकर के आशीर्वाद दिया तो खुद महसूस करने की चीज़ है। जो गठबंधन की प्रत्याशी की बात चल रही है, गठबंधन में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, पहले कांग्रेस की बात चल रही थी, उसके बाद अचानक से जेएमएम में अपना कैंडिडेट उतारा, अब एक समझौते की स्थिति में है कांग्रेस, ये तो उनका विषय है, चूंकि वो लोग राज के बारे में चिंता नहीं करते हैं, राज के लोग बारे में चिंता नहीं करते हैं, तो उन्हीं लोग से पूछे कि आखिर क्यों उन्हें ज्वाइंट संयुक्त प्रत्याशी बनाया, सरकार सभी को समर्थन से चल रही है तो फिर इन सारे विषयों में सब एकजुट करना चाहिए लोगों को।